हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और पूजा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े वाली कढ़ी। पकोड़ी वाली कढ़ी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। मैंने इसमें आधी कटोरी में तो हम पकोड़े बनाएंगे, और ये भी मैं आपको बताती हूँ कि कितना दही लेना है और कितना बेसन लेना है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हाफ केजी दही लिया था मैंने, जिसे बिलो लिया है रई की सहायता से, या आप हैंड ब्लेंडर या मिक्सी से किसी से भी बिलो सकते हैं, और उसकी छाछ बना ली है। अब हम पहले बेसन डालते हैं एक चम्मच, ये दो, तीन चम्मच, चार चम्मच और ये पांच चम्मच मैंने बेसन ले लिया है, और इसे हम पानी की सहायता से घोलते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे घोल लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। खट्टी है ये दही, मैंने खट्टी दही ली थी और उसी की छाछ बनाई है। इसमें हम नमक डालते हैं और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। और इसमें हम दो ग्लास पानी ऐड कर देते हैं। अब हम पकोड़े के लिए भी घोल तैयार कर लेते हैं। ये आधी कटोरी बेसन मैंने ले लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और इसका भी घोल तैयार कर लेते हैं पकौड़ों के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करते हैं। ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है, इसे पकौड़े बड़े आराम से बनेंगे। और इतने हम तेल गरम कर लेते हैं पकोड़े बनाने के लिए। अब तेल गरम हो चुका है और इसमें हम पकोड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। बेसन ना तो ज़्यादा ढीला होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए। इसे लो फ्लेम पे ही पका लेंगे। इन्हें पलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे, तल लेंगे। और मैंने छोटे साइज के ही बनाए, क्योंकि जब हम कढ़ी में डालेंगे तो कढ़ी में डालने के बाद फूल जाएंगे। अब ये पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ी छोकना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हम बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालेंगे, क्योंकि बाद में हम इसमें छोक भी लगाएंगे। वन फोर्थ चम्मच जीरा, वन फोर्थ चम्मच राई, और
1/4 चम्मच मेथी दाना और थोड़ा सा हींग। अब तेल गरम हो गया है और इसमें हम ये सारी चीज डाल देते हैं। अब ये राई और मेथी सब चटकने के बाद इसमें हम ये कढ़ी का जो हमने घोल बनाया था ये डाल लेते हैं। और जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। चलाने से ये कढ़ी जो है वो फटेगी नहीं। ये कढ़ी को उबलते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और इसमें अब हम पकौड़े डालेंगे। इसे हाई फ्लेम पे भी पका सकते हो आप, लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उफने ना। हाई फ्लेम पे रखेंगे तो बहुत जल्दी से बन जाएंगी। फ्रेंड्स इसे उबलते उबलते 15 मिनट के करीब हो गया है और इसके चारों तरफ मलाई भी जम गई है, जिससे पता लगता है कि ये बन गई है। और इसकी कंसिस्टेंसी भी ना तो गाढ़ी है ना पतली है, और कुछ गाढ़ी ये ठंडा होने के बाद भी होएगी। इसलिए हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसमें छोंक लगाते हैं। तेल, फ्रेंड्स तेल गरम हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं और हींग डाल देते हैं, और इसके साथ ही मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। मैंने राई हींग जीरा और मेथी दाना ये सब पहले से डाल दिए थे, इसलिए मैं अब नहीं डाल रही हूँ इसमें। कढ़ी में ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल, इसी के साथ 2 मिर्ची और कड़ी पत्ते डाल दी, और अब 2 कटे हुए प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ। अब ये प्याज भुन चुके हैं और ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्च और बढ़ा सकते हैं। और इस छोंक को हम कढ़ी में डाल दें। फ्रेंड्स ये कढ़ी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।